हेलो एवरीवन, कैसे हो? आयो बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, बिंदास हूँ। ये ब्लॉग है मेरा वेनेसडे का और अभी टाइम हो रहा है 10 का। तो आज हमारे यहाँ पर बोट पड़े हैं और मैं कई दिनों से ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं ब्लॉग डाल ही नहीं पा रही हूँ। मेरे साथ कुछ परिस्थितियाँ हैं जो इसलिए मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ। तो अभी मैं नुहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। आज मैंने पहनी साड़ी, जैसे कि मैंने आपको हर ब्लॉग में बताया है, क्योंकि मैं बाहर जब भी जाती हूँ तो साड़ी पहन के जाती हूँ। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। फोन लेके नहीं जाऊँगी क्योंकि वहाँ पुलिस है, तो चेकिंग के लिए फ़ोन वगैरह नहीं है, अलाउ नहीं है। तो मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगी। मैं बोट जाने के लिए तैयार हूँ। और ये ब्लॉग मेरा आज था कि भैया की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और मेरा अचानक प्लान बना जाने का। तो मैं अभी कपड़े वगैरह पहन चुकी हूँ और हम लोग रेडी हो चुके हैं। ये ब्लॉग है मेरा थर्सडे का, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ही शूट किया था, ज़्यादा शूट नहीं किया था। और हम लोग रेडी हो चुके हैं, हमारा बैग वगैरह लग चुके हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गुड़गांव, क्योंकि अचानक से भैया की हो गई तबीयत ख़राब तो हमें जाना पड़ा। क्योंकि अभी हमारा प्लान नहीं था, 10 तारीख के बाद ही जाने का प्लान था, पर अचानक ऐसा हुआ कि हमें सबके बैग अलग अलग रखे। तो अभी सब लोग रेडी हो चुके हैं। शिविर लेटा हुआ था, उसे हम उठा रहे थे कि जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं काफ़ी धूप हो जाएगी। क्योंकि पता ही नहीं चलता है बस में, और काफ़ी लंबा ट्रेवल करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग निकल चुके हैं, रेडी वगैरह हो चुके। और मैंने सूट पहना है, उसके ऊपर से मैंने साड़ी पहन लिया, क्योंकि साड़ी मैं ऐसे ही खींच दूंगी। ऐसे नहीं है कि मैंने पेटीकोट ब्लाउज कुछ पहना हो, ऊपर से ऐसे ही। और हम लोगों ने खाना वगैरह नहीं बनाया था, झाड़ू पोछा किया, हम निकल चुके थे। तो बस हमारी चलती है आगरा के लिए, और आगरा से वहाँ से मोटो लेंगे ICT चौराहे से, वहाँ से लेने के बाद में हम लोग गुड़गांव की बस मिल जाएगी। तो साड़ी मैंने अपनी खींच दी है, जैसे कि आप मेरे को देख पा रहे हो, काफ़ी बस भरी हुई है। वहाँ से पैसे वगैरह भैया ले रहे थे, तो मेरी वॉच गिर के निकल के गिर पड़ी थी हाथ से, काफ़ी उसका लॉक ढीला था। तो मैं उसे देख रही थी मिलने के लिए। और सिविन की तो जैसे कि आप ब्लॉग भीड़ भाड़ थी, इसलिए मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था, ब्लॉग फोन छिन जाता। इसलिए हम लोग गुड़गांव पहुँच चुके हैं, मैंने बहुत कम शूट किया। ये मेरे बड़े भैया बैठे हैं, तो यहाँ नाश्ता वगैरह सबका चल रहा है, नमकीन बिस्किट चाय वगैरह। तो अभी भैया की तबीयत ख़राब थी, उसके बाद भी भैया उठ गए थे, तो सबको नमकीन बिस्किट लगा के दे रहे थे। और सिविन को भूख लग रही थी, भाभी नहा के आई थी, तो सिविन खाना खाने के लिए तभी बैठ गया था। हालांकि सब लोग खाना खाएंगे, मैंने बोला भाभी चावी के चक्कर में पत पत पर हो। तो आज मेरे भतीजी का बर्थडे था, तो वहाँ पे भाभी ने बुलाया था खाने के लिए। तो अभी पूड़ियाँ वगैरह बन रही थी, सब लोग बना रहे थे और मैं वीडियो शूट कर रही थी। आयुष बोला, आयुष एक्टिंग के साथ, उसे पता था कि बुआ ब्लॉग बना रही है, इसलिए बार बार आ रहा था दिखाने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया था, अभी खाना बन रहा था और खाना बन के रेडी हो चुका था। तो सारे सोसाइटी के बच्चे आ चुके थे, सब लोग आ चुके थे। बर्थडे अच्छा भी लगता है, सब मिलजुल के बनाते हैं, नहीं तो सिटियों में कोई किसी से मतलब नहीं रखता, एक दो लोग फैमिली होती है। यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हो गए थे, पूरी सोसाइटी के, मतलब जो ऊपर वाली सोसाइटी में थे वो सब लोग इकट्ठे हो चुके थे। और काफ़ी अच्छा लगता है जब साथ में बर्थडे बनाते हैं या कोई भी काम होता है, तो सब लोग हो जाते हैं इकट्ठे, तो अच्छा भी लगता है। तो मैं उसका आयुष का तिलक कर रही थी, बोल रही थी बुआ के तिलक करो, तो मैं भी उसका तिलक कर रही थी। केक कटिंग के लिए सब रेडी था। आयुष ने मेरे को इतना पूरा बिगाड़ दिया था, पूरा मुंह को गंदा कर दिया था, इतनी थकान हो गई थी, काफ़ी थक रही थी, तो मैंने अपना मुंह भी नहीं धुला था, काफ़ी धूल मिट्टी की वजह से ऐसा। सब लोग आ रहे थे मिलजुल के, और ये मेरी छोटी भाभी हैं और मेरा बीच का भाई है, उसकी वाइफ है, तो वो भी आके खड़ी हो गई थी। इसकी मम्मी है आयुष के, तो अभी सब लोग टीका वगैरह कर रहे थे। और मैंने अपने हाथ को कागज़ से पोंछ लिया था, काफ़ी हो गया था, उसने केक कटिंग करना स्टार्ट कर दिया। मैंने वॉइस रिकॉर्ड बंद कर दी थी क्योंकि काफ़ी शोर सराटा हो रहा था, बहुत लोग थे ना, इसलिए तो मैंने वॉइस रिकॉर्ड बंद कर दी। ये इसकी सिस्टर है, इसका नाम है राधिका, तो वो भी इसका टीका कर रही थी, और पास में सारे बच्चे थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और उसने केक को लिया आयुष ने, और सबको मुंह बिगाड़ के रख दिया। बच्चे सब पैसे दे रहे थे और सब लोग गिफ्ट दे रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। पता ही नहीं चला कि कितना टाइम होगा, पर थकान भी इतनी थी कि कोई मन नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था लेट जाके काफ़ी बड़ा ट्रेवल करना पड़ा। तो अभी हमें ये हमारा चल रहा है बर्थडे पार्टी, और अच्छा भी लग रहा था, यहाँ पर सब लोग थे। तो मैं कैमरा लेके ऐसी खड़ी थी साइड से, और सब फेस नहीं दिखा पा रहे थे, तो साइड से थे, काफ़ी भीड़ थी। मैंने थोड़ा थोड़ा ही शूट किया, ज़्यादा नहीं किया था। और हल्का सा ये बालकनी है, और उसके बालकनी में भी सब लोग आ नहीं पा रहे थे, तो साइड से खड़े थे। ये भी मेरी भाभी लगती हैं, तो ये भी टीका कर रही थी और पैसे दे रही थी, और सोसाइटी की सब भी बहनें थी। बहुत अच्छा नेचर है, मैं एक बार पहले भी एक महीने के लिए रह चुकी हूँ, और बार बीच में भी आई थी। सब लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा है, जो मेरे को बहुत पसंद है, और सब लोग मिलजुल के रहते हैं, पता ही नहीं चलता है कि एक सोसाइटी है, ऐसा लगता है एक फैमिली है, और काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो ये मेरा एक तरीके से परिवार सा लगता है,
सब लोग मिलके जाते हैं। मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज हो गई है, मेरा पानी की वजह से मेरा गला भारी भारी सा हो रहा है इसकी वजह से। और सबको मैंने सूट किया, थोड़ा थोड़ा दिखाया। ये मेरी भाभी थी और सिस्टर थी, सारी मतलब फैमिली थी सब लोग। और देखो बालकनी काफ़ी भरी हुई है और काफ़ी अंधेरा हो रहा है। इस टाइम 9 बज रहे थे और देखो सब लोग इकट्ठे हो रहे थे। अब थोड़े से ही आए थे अभी, जैसे ही सब लोग खाते पीते जा रहे थे और सब लोग आते जा रहे थे। काफ़ी तेज मुंह पूरा ख़राब कर दिया था, आँखों में केक भर गया था और आयुष ने भर दिया था केक। उसने सबको बिगाड़ रखा था, सबके मुंह में ऐसे ही सबकी हालत ख़राब कर दी थी। मुझे बहुत गुस्सा आ गई थी। तो अभी हम लोग खाना खा पी के लेट चुके थे। ब्लॉग है मेरा सेकंड डे का और मैं रूम देखने के लिए आई थी। यहाँ पर काफ़ी सब लोग बच्चे थे सारे और भैया को एडमिट कर दिया था, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। अभी हम लोग खाना लेके जाएंगे नहा धो के। तो सुबह मैं निकल आई थी और उसके बाद में हम रूम देखे, पहले जूस पियेंगे गन्ने का, काफ़ी धूप हो गई। और हमने पीजी वगैरह देखे थे तो वहाँ पे काफ़ी चार्ज था, इतनी हमारे अंदर क्षमता नहीं थी इसलिए हमने नहीं लिया। तो हम लेंगे थोड़ा सा सस्ता सा देखेंगे कहीं। तो अभी क्या था, हम लोगों ने जूस पिया, सब बच्चों को मैंने जूस पिलाया गन्ने का। और उसके बाद में हमने लिया ऑटो और ऑटो में बैठ के फिर से हम चलने लग जाएंगे। और मैं ब्लॉग ज़्यादा शूट नहीं कर रही थी, मैं मुझे लगता कि मुझे यहाँ ब्लॉग शूट करना चाहिए जहाँ भीड़ भाड़ नहीं थी, तो मैं वहीं ब्लॉग शूट कर रही थी। क्योंकि ऐसा था कि काफ़ी शोर सराटा और मोबाइल वगैरह छिन जाते हैं, तो इसकी वजह से मैं फ़ोन को छुपा के ही रख रही थी। क्योंकि यहाँ पर बता रहे थे हादसा बहुत होते हैं कि फ़ोन एक दूसरे छीन के ले जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने जूस पीने के बाद में हम बैठ चुके थे ऑटो में। तो अभी यहाँ चल रही थी मटर मस्ती सबकी। और ये था डॉली का भैया और ये था हेमंत, दोनों बोल रहे थे यहाँ, वो अपने फ़ोन में लगा हुआ था। तो गाय ने इसे सींग पे उठा लिया ऊपर, हमने बड़ी मुश्किल से इसे बचाया क्योंकि वो फ़ोन चला रहा था। चश्मा लगा के वो दिखता तो है नहीं, उसे ऐसे ही करता रहता है। तो अभी भैया ये थे मेरी ताई, ताई की बहन के बेटे। तो ताई की सिस्टर हैं, गुजरात में रहती हैं। तो उनका रिजर्वेशन आज का था, मैंने बोला था चिराग मत जा, मेरा भाई लगता है क्योंकि जब मौसी का बेटा है तो भाई तो लगेगा ऑब्जेक्टली। तो अभी मैं खाना बनवा रही थी, ताई के साथ हेल्प करवा रही थी, ताई लड्डू बना रही थी उनके लिए और हम लोग सब बच्चे लगे हुए थे। तो अभी खाना पीना हो चुका था, वो लोग निकल चुके थे। तो अभी राधिका है, ये बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है और इतनी मटर मस्ती हो रही थी बच्चों को, तो काफी अच्छे से पढ़ा रही थी। ये ब्लैक बोर्ड बनाइए ना, ब्लैक बोर्ड ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, देख रहे हैं उसमें मार्कर से रहते हैं बच्चे। ये क्या है, अब बता पीयूष आयुष टाइम टाइम मतलब छोटा, वेरी गुड, आगे समझ अभी मतलब बड़ा 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 ब्यूटीफुल सुंदर ब्यूटीफुल सुंदर अच्छा गुड गुड आई ना दोष दोगी पिटाए थे गई मत पिटाए गो बात तो ऐसे सुनने से मत दे वो टिकटों का हो चुकी थी, हॉस्पिटल आ गई थी खाना वगैरह लेके। भैया भी थोड़े बैठे थे, दूसरा दिन है उनको।
मैं जब भी आती थी ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी। दो दिन से मैं भैया के पास ही रुक रही थी, पर मेरे को अजीब सा लगता था, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैंने ब्लॉग एड शूट नहीं किया था। मैंने जब वो सही हो गए थे, थोड़ा सा लगा था कि हाँ आप सही है, तब मैंने ब्लॉग शूट किया था। और अभी हम लोग रूम देखने आए थे, काफ़ी महंगा था ये, 14,000 के समथिंग था। इसमें एसी थी और टीवी थी, फ्रिज भी था, मतलब सारा सामान था। तो ये हमने नहीं लिया, ऐसे देख के हम चले आए थे। काफ़ी महंगा था, बाथरूम भी अच्छा था, मतलब हर चीज़ अच्छी थी, और वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह थी, तो काफ़ी महंगा था। इतना हम कमा भी नहीं पाए तो क्या फ़ायदा। अभी मेरे भाई की जो बेटी थी, जो अभी ट्यूशन पढ़ा रही थी, उसकी भी हालत ख़राब हो गई, तो उसको भी एडमिट करना पड़ा। तो हॉस्पिटल में जगह नहीं, तो एक ही पे ताऊ को और बच्चे को, दोनों को लिटा दिया। दोनों पे बोतल चढ़ी हुई है, और इधर भी साइड में कोई था, मैं नहीं जानती, उधर भी बोतल चढ़ी हुई है। हम लोग सोफे पे बैठे हुए थे, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। बच्चों को मैं किसी को लेके नहीं आई थी, और इनको अभी चौथा दिन था, तो इतना परेशान थे, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। इतनी हालत ख़राब हो गई कि दोनों बीमार थे। इधर भाई ताऊ को भी ठंड लग रही थी, और राधिका से बोला था, राधिका के पेट में इतना दर्द है, 1.5 महीना हो गया। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, कैसा लगा आप मेरे को वीडियो में कमेंट करके बताया ना, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।